हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं क्रॉस स्टाफ सर्वे के बारे में। यानी कि सर, क्रॉस स्टाफ सर्वे आप यहां पर क्यों करते हैं, किस तरह से आप यहां पर इस क्रॉस स्टाफ सर्वे के अंदर हम यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ हम यहां पर पूरा को पूरा यहां पर सीखेंगे। इसके अलावा यहां पर देखो, जो फील्ड बुक के अंदर जो मेजरमेंट्स होते हैं ना, उन मेजरमेंट्स को सीखना करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें भी हम आज जो बचा हुआ लेक्चर है इसी लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सब सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सर, क्रॉस स्टाफ सर्वे आपका क्यों काम में आता है। तो देखो, क्रॉस स्टाफ सर्वे इज अ चेन सर्वे, ये तो आप लोगों को पता चली गया। क्रॉस स्टाफ आपका कहाँ काम आता है, चेन सर्विंग के अंदर आपका काम में आता है, ठीक है। क्यों काम आता है, परपेंडिकुलर जब भी आपको यहाँ पर निकालने होते हैं, आप परपेंडिकुलर जब भी आपको स्टैब्लिश करने होते हैं किसी भी चेन लाइन से, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस स्टाफ को आप यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ आपका 90 डिग्री का मेजरमेंट आपका कर पाता है। ये बात हम यहाँ पर ऑलरेडी इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्विंग के अंदर हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमारी हो गई बिल्कुल क्लियर कि सर, ठीक है, क्रॉस स्टाफ सर्वे है, परपेंडिकुलर हम यहाँ पर इससे क्या करने वाले हैं, ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। अब सर, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को कुछ इस तरह से ड्रॉप करेंगे कहाँ से, बेस लाइन से आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप बेस लाइन के वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट चलेंगे पूरे एरिया को। तो एक पूरा एरिया है, सबसे पहले उस एरिया के अंदर आप यहाँ पर बेस लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे एरिया के अंदर आप यहाँ पर बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन बना के उस बेस लाइन से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर्स को ड्रॉप करते चलेंगे। तो परपेंडिकुलर को आप यहाँ पर ड्रॉप करते चलना है। वो परपेंडिकुलर्स इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है कि वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर ले, यानी कि पूरा का पूरा बाउंड्रीज का पूरा एरिया आपका कवर कर ले। इस तरह से आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते चलना है। कैसे करते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा एरिया आपको कवर करना है। अस पूरे एरिया को आपको सूटेबल नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स, जो भी आपको सूटेबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स या फिर सूटेबल नंबर ऑफ, आप यहाँ पर बात करें तो ट्रेपेजियम या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आप जैसे भी आपसे बैठ पाए, आप उसके थ्रू आप यहाँ पर क्या करें, इसको डिवाइड कर लें। यानी कि नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स के अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी बाउंड्रीज को आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। फायदा क्या हुआ इससे, इससे सर सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरी की पूरी बाउंड्री आपने रेगुलर फिगर्स में डिवाइड कर ली, तो एरिया निकालना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। तो इस चीज को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पर एक कुछ एरिया है आपके पास, तो आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे वो आप लोगों को लगभग अंदाजा लगना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने ना बनाने की। चलो, ये आपने कर लिया। अब देखो, अब यहाँ से हम यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते चलेंगे। बेस लाइन है, बेस लाइन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ये लो, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते चले जाना है, चला गया। अब देखो, इसको नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स में डिवाइड करना है इस पूरी बाउंड्री को। देखो, पूरी बाउंड्री को हम यहाँ पर नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स में हम यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब चूंकि देखो, मेरे तो बाउंड्री भी ढंग से नहीं बनाई है, बाउंड्री ज़्यादा ऐसी बनाई है रफ, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट भी थोड़े से रफ ही देखने को मिलेंगे, है ना। पर आप समझने की कोशिश करो, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये कर दिया। तो पूरी की पूरी बाउंड्री को लगभग हमने क्या कर दिया, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना होता, अब हमें जब भी यहाँ पर आप सर्वे करना है ना, तो सर्वे कैसे करेंगे, ये मान लेता हूँ इसको मैं पहला एरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, सातवा, आठवा, नवा और दसवा, ठीक है। तो जब भी मेरे को टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया आपके पास क्या निकल के आएगा, ये एरिया टोटल या ए, तो एरिया टोटल निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A10, ठीक है। या मैं कुल मिलाकर कह सकता हूँ, तो एरिया बराबर होता है समेशन ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो टोटल एरिया आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो आपको इस पूरी पर्टिकुलर बाउंड्री को सूटेबल नंबर ऑफ सूटेबल नंबर ऑफ ट्राइंगल या सूटेबल नंबर ऑफ ट्रेपेजियम या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर अरेंज कर देना होता है, या फिर मैं कह दूँ सिंपल रेगुलर फिगर्स में आपको डिवाइड कर देना है। एरिया आप यहाँ पर टोटल यहाँ पर इसका निकाल पाते हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज को लोकेट करने के लिए पर्टिकुलर सर्वे आपका काम किया जाता है। इसमें बेस लाइन से ये जो आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए ना, ये परपेंडिकुलर्स किसकी मदद से ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर्स हम यहाँ पर क्रॉस स्टाफ की मदद से यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर सर्वे का नाम आपका क्या पड़ गया, क्रॉस स्टाफ सर्वे पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लिया हमने, इसका क्वेश्चन करा दूंगा इसका ना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। इसको फिलहाल के लिए देखो ये मिटाई देता हूँ मैं इसको, है ना, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ फिलहाल, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी आप लिख दो, है ना, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ सर्वे, तो क्रॉस स्टाफ सर्वे इज ए स्पेशल टाइप ऑफ चेन सर्वे, टू लोकेट
क्यों काम में करते हैं? टू लोकेट द बाउंड्रीज, टू लोकेट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज किसकी? ऑफ ए फील्ड, फील्ड कह दो या एरिया कह दो, है ना। फॉर कैलकुलेटिंग, क्यों करेंगे? फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, है ना, सिंपल है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, इन दिस सर्वे, इस सर्वे में हम यहां पर क्या करने वाले हैं? अ बेसलाइन इज सिलेक्टेड, एक बेसलाइन आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, थ्रू द मिडिल ऑफ पोर्शन, थ्रू द मिडिल पोर्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड के मिडिल पोर्शन से आपके पास निकल रही है, बेसलाइन है ही क्या आपके, है ना। एरिया को क्या करती है? दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड करती है, एक काम आती है। तो मिडिल पोर्शन ऑफ द फील्ड से आपको यहां क्या करनी है? एक बेसलाइन आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, एंड द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू रेगुलर फिगर्स। तो रेगुलर फिगर्स में हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, लाइक जिनका हम यहाँ पर जनरली हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ट्राइंगल लिख सकते हैं, ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्रॉस स्टाफ सर्वे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर्स को जो ड्रॉप करते हैं वो किससे करते हैं? हम यहाँ पर क्रॉस स्टाफ से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, इन दिस मैथड, In this method, cross-staff is used for setting out the perpendicular to the baseline. ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब यहां पर देखो इसको ना, हम यहां पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, ये मान लेते हैं ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने, देखो एग्जांपल इधर ये बना देंगे, चलो ठीक है, यहां पर बनाते हैं एग्जांपल, एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो फील्ड बुक का मेजरमेंट आपको पढ़ना भी कैसे है, वो भी हम यहां पर इसी के थ्रू हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लेता हूं यहां पर कोई एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये ए पॉइंट पे जीरो है। देखो यहां पर जो जीरो लिख रखा है, ए की वैल्यू जीरो लिख रखी है, ए जीरो लिखने का मतलब है कि सर यहां से आप चेंजेज आप यहां पर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चेंजेज यहां पर आपका कितना हुआ है? जीरो का चेंजेज हुआ, कितना चेंजेज हुआ? चेंजेज आपका हुआ है जीरो का, ठीक है। चेंजेज हुआ है कितना? जीरो का। तो यहां पर जीरो का चेंजेज हुआ है, यहां पर आपने कह दिया कि सर यहां पर, और यहां पर आपके पास हो रखा है मान लो थाउजेंड का चेंजेज हो रखा है, थाउजेंड आपने यहां पर लिख दिया थाउजेंड, और यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर बी पॉइंट, ठीक है, थाउजेंड है, बी पॉइंट आपने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पर मान लो 200 का चेंज हो रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं सर 300 का चेंज हो रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं सर 600 का चेंज हो रखा है, यहाँ पर आपका हो रखा है 750 का, और यहाँ पर आपका 1000 का हो रखा है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको दे रखा है मान लो इस साइड एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको दे रखा है चेंज 150 का, यहाँ पर आपको दे रखा है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं पहले, है ना, यहाँ पर दे रखा है आपको 120 का, यहाँ पर दे रखा है आपको 150 का, यहाँ पर दे रखा है आपको 140 का, और यहाँ पर दे रखा है आपको कितना, यहाँ पर दे रखा है मान लो 160 का मान लेते हैं, यहाँ पर 140 160 मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल। ये आपने यहाँ पर मान लिए, इसको कह दिया आपने ए, इसको कह दिया बी, सी, डी, ई, एफ, इसको ले लो आप जी, एच, आई, जे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखो इसको निकालने का मतलब क्या है कि सर देखो यहाँ से यहाँ तक का चेंजेस 200 है, यहाँ से जी पॉइंट तक का चेंजेस 200 है, यहाँ से एच पॉइंट तक का चेंजेस 300 है, यहाँ से यहाँ 600 सॉरी यहाँ से अगर मैं कह दूँ तो आई पॉइंट का चेंजेस आपका 600 है, जे पॉइंट का 750 है, यहाँ तक जाते जाते 1000 पे आपका पास पूरा चेंजेस आपका खत्म हो गया इस पर्टिकुलर बाउंड्री का, ठीक है, इस पर्टिकुलर बाउंड्री का, ठीक है। अब इसको बनाते बना के कोशिश करते हैं इसको बनाने की, है ना। तो देखो बना रहा हूँ मैं आपको इसको, देखो तो बेसलाइन आपने यहां पर बना दी,
या आपने बेसलाइन बना दी, ठीक है। बेसलाइन के अंदर आपको यहाँ पर चलना है, तो बेसलाइन के अंदर यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर कौन सा पॉइंट, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पर, ये जीरो पॉइंट, जीरो के बाद यहाँ पर 200 वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका 300 वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका 600 वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका 750 वाला पॉइंट है, और यहाँ पर आपका 1000 वाला पॉइंट है, ठीक है, 1000 वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रख लिया बिल्कुल। अब देखो बनाओ यहाँ से, अब देखो इस 150 साइड में लिखने का, देखो 120 साइड में लिखे होने का मतलब है कि सर यहाँ से आपने 120 का आपने यहाँ पर क्या लिया है, चेंजेज लिया है, यहाँ से जो चेंजेज है यहाँ से 120 का हुआ, यानी कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर आपका ड्रॉप होगा, ये परपेंडिकुलर कितना ड्रॉप होगा आपका 120 के रिगार्डिंग आपका यहाँ पर ड्रॉप होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 120 है ना, ठीक है, ये आपका हो गया कितना 120, ठीक है, ये आपने कर दिया 120, ठीक है। ये आपको देखेगा कितना 140, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पर होगा आपका 140। देखो 120 से ज़्यादा बनाना 140 हो, जब भी मेंस का सवाल करके आओ तो स्केल पे तो नहीं बनेगा आपसे, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर आप यहाँ पर लिमिट लेके बनाना कि सर यहाँ पर वैल्यू 140 दे रखी थी, 120 से ज़्यादा ही निकले हैं ना, तो इतनी तो हम यहाँ पर रख के चल सकते हैं कि सर थोड़ी बहुत एक्यूरेसी तो हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं ना, 150 को मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, ठीक है। 160 यहाँ पर है, 160 की वैल्यू हमने यहाँ पर ये ड्रॉप कर दी थी। अब इसको चेंज करें, चेंज करते हैं, चेंज किया इसको नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ रेगुलर फिगर्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और ये हमने यहाँ पर कोशिश कर दी, और ये हमने यहाँ पर कोशिश कर दी, ये हमने यहाँ पर कोशिश कर दी, ठीक है। ये लो ठीक है, ये हमने यहाँ पर कोशिश करके हमने यहाँ पर इसको प्लॉट करने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मैंने आपको लिखना बता दिया, ठीक है, ये देगा नहीं आपको, लेकिन लिखना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सर कैसे हम यहाँ पर, अगर हमको यहाँ पर ये सजेस्ट दी जाए तो हम यहाँ पर इसको कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो आपको कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि क्वेश्चन देगा आपसे शो द एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ ऑफ फील्ड एंड कंप्यूट द एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, ऐसे करके आपसे एक सवाल दे देगा, ठीक है, आपसे एरिया कैलकुलेट करा लेगा इसका। अब एरिया आप देखो इसको देखना आपको आना चाहिए कि यहाँ पर देखो जीरो चेंज है, यहाँ पर देखो ऑफसेट ले, सॉरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हाँ ऑफसेट आपने ले रखा है, और इसको कह देंगे सर क्रॉस स्टाफ से आपने एक परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर से आपने बाउंड्री कैलकुलेट की, बाउंड्री से आपने यहाँ पर ऐसे निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये सर 120 है, ये आपका 150 है, ये आपको देखा कितना 160 है, और यहाँ पर ये आपको देखा कितना, ये आपको देखा 140, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको सूटेबल सबसे पहले देख लेते हैं सर एरिया, यहाँ पर एरिया का नाम दे देते हैं, इसको कह देता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, 6 एरिया के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, अब एरिया कंप्यूट कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे एरिया कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है, एरिया निकालो। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको एरिया नंबर, एरिया नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा ये एरिया नंबर, एरिया नंबर के बाद दूसरा लिखा चेनेज, 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 चेनेज के बाद लिखेंगे हम यहाँ पर बेस लेंथ, बेस लेंथ, ये हो गई हमारी बेस लेंथ, बेस लेंथ के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है, सिंपल यार ये तो निकाल भी सकते हो आप, है ना, सारे एरिया बस जोड़ के आपको यहाँ पर कर देना है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको यहाँ पर कन्वेंशनल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे सॉर्ट कर, ऐसे सेट करना है ना, मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट, और फाइनली इसके बाद आप यहाँ पर एरिया आप यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप एरिया आप यहाँ पर फाइनली निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1, ठीक है, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए चेनेज देखो, चेनेज चालू हुई 0 से, 0 से लेकर 200 तक, तो चेनेज चली आपकी कितनी, टोटल 200, चेनेज चली कहाँ से, 0 से 200, यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ, चेनेज चली आपकी 0 से 200, यानी कि बेस की लेंथ कितनी हुई, इसकी लेंथ कितनी हुई, बेस की, बेस लेंथ हुई आपकी 200। परपेंडिकुलर ऑफसेट अगर मैं देखूं तो देखो परपेंडिकुलर ऑफसेट आपको कितना दे रखा है, 120 का, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट आपको दे रखा है 120।
मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालूं तो मीन परपेंडिकुलर इसका मीन कितना निकल के आएगा, इसको आधा कर देना। देखो यार कुल कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, बस कुल मिला के हम यहाँ पर देख रहे हैं। सर मीन परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर, तो सर यहाँ पर देखो 0 से 120 लिख सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट 120 है, मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट मेरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कुल नहीं कर रहा बस मैं यहाँ पर एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया बराबर क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू वो कर रहा हूँ, उसकी जगह यहाँ पर मैं मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट लिख दे रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लूंगा, यानी कि ऑफसेट को आधा कर दूंगा, ऑफसेट को आधा ले लेंगे, ऑफसेट को आधा करके यहाँ पर बेस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला मैंने यहाँ पर, है ना। तो एरिया आपका निकलाएगा कितना, 12,000 आपका एरिया आ गया। ठीक है, एरिया नंबर टू ले लो आप, है ना। आपको जैसे सूटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर कर दें। इस तरह से अच्छा लग रहा है इस तरह से कर दें, और इस तरह से नहीं लग रहा जैसे आपका रेगुलर मेथड है, रेगुलर मेथड से करना चाहता तो रेगुलर मेथड से कर दें, लेकिन ये चीजें आपको इतनी जरूरी है ना। ठीक है, तो मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट निकाला हमने यहाँ पर, मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना है, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट टोटल 0 से लेकर 120 तक का है, 0 से लेकर 120 तक का है। तो मीन परपेंडिकुलर आपका 60 लिख दिया आपने, है ना, और कुछ नहीं किया, ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया आपने। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला है। सेकंड एरिया देख लो आप यहाँ पर, सेकंड एरिया देख लो आप, सेकंड भी ट्राइंगल है, सेकंड के लिए यहाँ पर आपको देखो सेकंड एरिया में आपकी बेस लेंथ कितनी जा रही है, 0 से लेकर 300 लिख दिया, 0 से लेकर 300 तक लेंथ जा रही है। इसके अंदर बेस लेंथ आपकी कितनी होगी, 300 हो गई, 300 हो गई, है ना, ये लाइन ये लेंथ कितनी हुई, 300 हो गई। परपेंडिकुलर ऑफसेट आपका कितना है, 150 का है। अगर मैं बेस की बात करूँ तो सर देखो ये एक कितना हो गया, 75 हो गया, 75 को इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 75 3, तो ये आपका आ गया 15,000। ठीक है, थर्ड नंबर का एरिया देखो आप, थर्ड नंबर का एरिया देखो, ये थर्ड नंबर का एरिया, इसकी चेंजेज कहाँ से कहाँ तक चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 200 से लेके 600 तक, 200 से लेके 600 तक। तो बेस लेंथ कितनी हो गई, 400, ये कितनी है बेस लेंथ, 400। परपेंडिकुलर ऑफसेट अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर ऑफसेट फॉर थर्ड एरिया, तो थर्ड एरिया के लिए को परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या है सर, एक तो ये है एक ये है, ठीक है, एक ये है एक ये है। सेम इसके अंदर देख लो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट आपका कितना है, देखो एक तो ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है, एक इसके लिए एक ये वाला है एक ये वाला है, यानी कि एक जीरो एक 120 से 0 से 120 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर देखो इसको नहीं लिखते, इसको डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना है थर्ड एरिया के लिए, देखो एक तो कितना है, एक है 120 एक है 140, तो यानी कि यहाँ पर 120 से लेके 140 तक है। इसका मीन कितना निकल के आएगा, मीन आपका 130 निकल के आएगा, 130 को आप यहाँ पर 400 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52,000, है ना। फोर्थ वाला एरिया निकालें आप, फोर्थ वाला एरिया आपका कितना है, फोर्थ वाला एरिया देखो आप यहाँ पर, फोर्थ वाला एरिया कहाँ से चल रही है, 300 से लेकर 750 तक, 300 to 750, ठीक है। बेस लेंथ आपकी कितनी निकल आई, 450। परपेंडिकुलर ऑफसेट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो देखो फोर्थ वाले के लिए आपका चल रहा है 300 से 750, और यहाँ पर 150 से 160, ये चल रहा है आपका 150 से लेके 160। परपेंडिकुलर निकालूंगा, सॉरी मीन परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो 155 तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, बेस लेंथ से कितना आया आपका 45 into 155 आपका निकल के आएगा 69,750, ठीक है। फिफ्थ नंबर का देखो, फिफ्थ नंबर का एरिया देखो, फिफ्थ नंबर के एरिया के लिए कहाँ से चल रहा है हमारा, 600 से लेके 1000 तक, 600 से लेके 1000 तक। तो ये कितना हो गया, 400। ऑफसेट देखो तो सर यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 140, ये 140 आ रहा है। मीन देखेंगे तो कितना आएगा, 70 into 400, ये कितना आया, 28,000, कितना आया, 28,000। सेम सिक्स नंबर का एरिया, सिक्स नंबर का एरिया देख लो आप यहाँ पर कहाँ से चल रहा है, 750 से लेके 1000। या आपके पास लेंथ कितनी निकल गई, लेंथ कितनी निकल के आ रही है आपकी, 250, लेंथ आपकी 250। ये आपके पास परपेंडिकुलर ऑफसेट देखो वहाँ पर कितना है, 160 का परपेंडिकुलर ऑफसेट, 160 का। इसी को लिखेंगे मीन परपेंडिकुलर, तो एक जीरो एक साइड जीरो है, एक साइड आपका 160 है, तो टोटल मिला कितना हो गया, 80। देखो मेन परपेंडिकुलर मतलब एक साइड यहाँ पर जीरो है, एक साइड आपका 160, एक साइड जीरो, एक साइड 160, 0 से 160। अब मीन निकाला 80, यहाँ पर 80 into 250 आपके पास निकल के आया कितना आया, ये आ जाएगा आपका 20,000, ठीक है। टोटल एरिया अगर ये आपसे पूछे एरिया, तो एरिया इन सबको कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा 20 to 50 meter square, ठीक है। ये लो साहब, बस ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है, बस ऐसे कर देना है आपको, है ना। बस क्या करना है, मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालना, मीन परपेंडिकुलर ऑफसेट में कोई दिक्कत नहीं, ये 120 से 140 तक जा रहा, मीन कितना आ गया, मीन से आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लेंथ इनटू क्या कर रहे हैं, लेंथ इनटू हाइट, एरिया निकाल के आ रहे हैं। लेंथ इनटू हाइट ऑफ व्हाट, प्लान का नहीं कह रहा हूं मैं, ना प्लान के बारे में बात कर रहा हूं, प्लान के अंदर देख लो आप, है ना, सिंपल है, बिल्कुल।
बस यही आप लोगों को करना है, बाकी चलो चलते हैं। लेंथ ऑफ हाइट मत निकाल देना, वैसे लेंथ ऑफ हाइट मत कर देना, ठीक है, सिंपल लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द फिगर, ठीक है, फिलहाल चलते हैं। बाकी इतनी सी बात है, इससे इसके थ्रू आप यहाँ पर चेन सर्विंग को, यहाँ पर क्रॉस स्टाफ सर्वे भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो कितना सक्सेसफुली कितना सारा काम कर लिया आज हमने, है ना। तो देखो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर।